भी मंसूब है इस जम्मू कश्मीर से और वही ताल्लुक जो हिंदुस्तान के साथ हम चाहते हैं कि वो बाइज्जत तौर इसको खत्म करे। पिछले कई हफ्तों से यहाँ की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का क्रैकडाउन किया जा रहा है, हजारों की तादाद में शहरों की तादाद में रिलीजियस लीडर्स चाहे जमात इस्लामी हो, जमीतुल हो या बाकी कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके कारकुनों उनके लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और हाल ही में जो गवर्नर इंतजामिया की तरफ से मरकजी सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा आया है कि जमात इस्लामिया पर पाबंदी लगाई जाए। जमात इस्लामी कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जमात इस्लामी एक पोलिटिकल सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ तालीम के मैदान में, सियासी मैदान में, समाजी मैदान में बहुत ही काम अंजाम दिए हैं। इस वक्त भी हजारों की तादाद में इनके स्कूल चल रहे हैं। अब इस वक्त इन्होंने क्यों बैन लगा दिया तो वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत से जो जमात एक्टिविस्ट उनको बंद किया, उनने बहुत से एक्टिविस्टों को 107 जो है सीआरपीसी में बंद किया है। और तकरीबन जो हमारी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसमें तकरीबन 300 से 400 जो एक्टिविस्ट हैं, खासकर जो साउथ के हैं, वहाँ उनको गिरफ़्तार किया और ख़ासकर जो उनके लीडर हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया। अब इसका जो है ऑब्जेक्ट क्या है गवर्नमेंट के पास, वो वी डोंट नो। जमाती इस्लामी कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वक्त वक्त पर इस मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा किया है, यहाँ के बच्चों में बेहतरीन तालीम का निज़ाम कायम रखा है। उसके बावजूद जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नर इंतजामिया ने इस तंजीम के खिलाफ इंतकामाना कार्रवाई शुरू करी है वो काबिल मजम्मत है। वी कंडेम विद ऑल द वर्ड्स एट आवर कमांड, हम उसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जमहूरियत में आवाज़ को दबाना एक इंतहाई घिनौना जुर्म है। जमात इस्लामी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई बंद की जाए, उसके कारकुनों के खिलाफ इंतकाम की पॉलिसी बंद की जाए, ये हमारा आज का एहतजाज है। आज जब जमात इस्लामी प्योरली तबलीगी काम कर रही थी, तालीमी निज़ाम में उसकी कंट्रीब्यूशन थी, सोशल सेक्टर में उसकी कंट्रीब्यूशन थी, तो जमात इस्लामी पर ऐसे में बैन लगाना कोई मुनासिब बात नहीं है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि वो इस बैन को रिवोक करे, और अगर वो पॉलिटिकल स्पेस चोक करती है तो उससे फिर हालात में बेहतरी के बजाय खराबी ही पैदा हो जाएगी। जितनी ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं तो उसका तो गवर्नमेंट का फेलियर ही है, राइट? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलियर है। अब ऑलरेडी इनने इतना यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की है आर्मी की, इतनी रिस्ट्रिक्शंस की हैं और लोगों को पीएसए में बंद किया है, राइट? और भी बंदों लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं डे इन एंड डे आउट। तो अब ये आई मीन इट इज़ अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद जो है कि एक कॉडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर उनको भी आप यू नो तो नेचुरली इट विल बी मोर, दे विल मोर असर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।